अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल गुजराती माध्यम कक्षा 10 विषय हिंदी कविता 11 भारतवर्ष हमारा है। कवि बाल कृष्ण शर्मा जिनका उपनाम नवीन। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखित कविता भारतवर्ष हमारा है पढ़ने जा रहे हैं। आप भी अपनी किताब में पेज नंबर 26 पर मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले हम कवि के बारे में जाने। बाल कृष्ण शर्मा नवीन हिंदी जगत के कवि गद्यकार और अद्वितीय वक्ता थे। उन्हें राष्ट्रीय जागरण व प्रेम विरह का कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य में उनका आगमन उस समय हुआ जब भारत में अंग्रेजी राज से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। इस तत्कालीन स्थिति का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा कि जब वह उनका आगमन साहित्य में किस समय हुआ कि जब अंग्रेजी राज से आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, इससे क्या हुआ, उनकी तत्कालीन स्थिति का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उनकी जो कविताएं थे, जो गीत थे, वह राष्ट्र प्रेम से भरपूर थी। राष्ट्रीय जागरण व चेतना उनकी कविता व गीत में हमेशा साफ साफ दिखाई देते थे। ऐसा ही एक इनका गीत है जिनकी कुछ पंक्तियां हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रवनभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए, पाप पुण्य सड़सड़ भावों की धूल उड़ उठे दाए बाए, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टुक टुक हो जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उठल पुठल मच जाए। हमें यहाँ पर पता चलता है कि इनकी पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमें उनका जो राष्ट्र प्रेम है वह हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह वह अपने काव्य में, अपने गीत में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वह किस तरह व्यक्त करते थे। इन्हीं के द्वारा लिखित हम कविता पढ़ते हैं तो सबसे पहले इनका परिचय हम देखें। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, जन्म सन 1897 ईस्वी, निधन सन 1960 ईस्वी। बाल कृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर पर गने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी इनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नव निर्माण के लिए
कवि ने आह्वान किया है, कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। कविता को पढ़ते हैं, इससे पहले हम इसका गान करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न बने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था और आकाश में सूर्य चंद्र और तारे चमकने आरंभ हुए थे, तभी से भारतवर्ष जगत में विद्यमान है। यहाँ पर कोटि कोटि यानि करोड़ों करोड़ों, कोटि कोटि यानि करोड़ों जो लोग हैं भारत में रहने वाले, उनके कंठों से यानि स्वर से एक ही स्वर धारा यानि आवाज का निरंतर चलने वाला क्रम के उनके कंठों से कोटि कोटि करोड़ों लोगों के कंठों से यानि गले से स्वर से एक ही आवाज एक ही स्वर धारा निकलती है कि भारतवर्ष हमारा है। सभी क्या कहते हैं, भारतवर्ष यानि यह हिंदुस्तान हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है कविता बहुत पहले लिखी गई थी। इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या 42 करोड़ लिखी गई है। देश की यह जनसंख्या तब थी जब कवि ने यह कविता लिखी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या 1,31,08,808 बताई जाती है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न बने, तो यहाँ पर हमें कहते हैं जागे यानि जागृत हुए, सृजन यानि सर्जन, बने यानि बहुत से। वे कहते हैं जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, विमल यानि स्वच्छ सुंदर। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था कि जिस दिन सबसे पहले जो विश्व का निर्माण करने वाले जो हमारे रचयिता है, जब उनके मन में ख्याल आया होगा नव सृजन के स्वप्ने बने, यानि जिस समय विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, कि पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूर्य नभ याने गगन, सूरज याने सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य और चांद जिस समय अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में जिस समय तारे फैल गए थे,
छिटते यानी फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है, यह भारतवर्ष हमारा है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस पंक्ति में हमें यही कहना चाहते हैं कवि कि भारतवर्ष आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। और कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे हमारे भारतवर्ष को अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश मानते हैं। और रचयिता के मन में विश्व की जिसने रचना की है, ऐसे रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का जिस दिन ख्याल आया होगा कि जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और सब जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे, आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा भारत देश अस्तित्व में है। हिंदुस्तान हमारा है, स्वर धारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि लोगों की है। जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ है और जब से आकाश में तारे छिटके और सूर्य चांद बने, तभी से हमारे देश का अस्तित्व है। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। के क्या बताया गया है? तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। जिस दिन विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया और जिस दिन सूर्य और चांद अस्तित्व में आए, यह भारतवर्ष तभी से हमारा है। और तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। अभिमान यानी गर्व है हमें हमारे देश पर कि यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, कि जब कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहले आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था। कि जबकि घटाओं ने उमड़े हुए बादल, घटा यानि उमड़े हुए बादल, गहराना यानि उमड़ना, बादलों की जो गड़गड़ाहट होती है उसे गहराना कहते हैं। कि हमारा भारत देश तब से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में गहराना सीखा था, उमड़ना सीखा था। पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, कि जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था। दहलाना यानि हवा की जो आवाज़ होती है, जब हवा तेज चलती है तब हवा की जो आवाज़ आती है उसे हहराना कहला जाता है। तो जब पहले हवाओं ने अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जबकि जल्दी जब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, जल्दी यानि समुद्र। तो यहाँ पर जब सारे समुद्र में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, कवि कहते हैं कि उसी समय भारतवर्ष का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर इस पंक्ति का गान करते हैं। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंत स्थल सिहरे।
आज नए युद्ध के नैनो से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कि कवि ने कहा है हमें कि जब पहले पहले घटाओं ने यहाँ उमड़ना सीखा था, गहराना यानी बादलों की जो गड़गड़ाहट है, तो सबसे पहले बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, समुद्र ने पहले पहल अपनी लहरें उठानी शुरू की थी। कवि कहते हैं उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, कि उसी आदि अनादि, अनादि यानी जिसका आदि न हो, जो सदा से हो, आदि यानी आरंभ, तो जिसका आदि न हो, जिसका आरंभ हो, उसी क्षण से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्मस्थान रहा है। जन्मस्थान यानी जहाँ जन्म हुआ हो वह हमारी मातृभूमि, तो यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए वचन उत्साह भरे, कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता, मैंने पहले ही आपको बताया कि यह कविता बहुत पहले लिखी गई थी, इसलिए हमें यहाँ पर 42 करोड़ जनसंख्या लिखी गई है, कि 42 करोड़ जनता के एक स्वर में गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए वचन उत्साह भरे, उत्साह भरे ने उत्साह से भरे हुए वचन एक स्वर में, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतस्थल सिहरे, सिहरे यानि भय से कांपते हैं, अंतस्थल यानि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अंतस्थल यानि हृदय या मन का भीतरी भाग, के गरज उठे 42 कोटि जन सुनिए वचन उत्साह भरे, उत्साह से भरे हुए ये वचन, के कवि कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे जो विरोधियों यानी जो दुश्मनों के दिल है वह दहल उठते हैं, कि सभी जनता जब एक साथ अपने गरज ने यानी हुकार से गरजती है, सभी लोग एक साथ मिलकर जब दुश्मनों का सामना करते हैं, तब क्या होता है, तो जो दुश्मनों के दिल है वह दहल उठते हैं। सिहरना यानि भय से कांपना, के जो हमारे प्रतिपक्षी यानि विरोधी यानि हमारे जो दुश्मन है वह सभी जन की आवाज़ को सुनकर उनके जो हृदय है वह कांपते हैं और वह भय से कांपने लगते हैं। आज नए युद्ध के नैनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, ज्वलित यानि जलता हुआ, पुंज यानि राशि, ढेर, समूह, के आज के नए युद्ध के हमारे जो देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है, कि इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है, हमारा देश महान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, कि भारत देश के लोगों में अमन्य अदम्य उत्साह है और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं, उसका सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि जिस दिन सबसे पहले देश के नवनिर्माण की अनेक कल्पनाएं हमारे मन में उठी, देश काल के दो दो विशाल और सुंदर वितानों की रचना हुई, जिस दिन आकाश में असंख्य तारे छिटके और सूरज तारे अस्तित्व में आए, उसी समय से नवसर्जन के स्वर जागे थे, करोड़ों लोगों के उत्साह भरे वचन थे कि यह भारतवर्ष महान देश है, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सके, यह एक अद्वितीय देश है। यहाँ पर हमें आपको अपनी कॉपी में काव्य लिखना है, शब्दार्थ लिखने हैं और स्वाध्याय भी लिखना है। धन्यवाद।